सक्सेस स्टोरी के साथ ताहे गुराब की खमत में हाजिर है टैक्स स्टूडियो में आज हमने एक ऐसे साथी की कहानी आपके साथ शेयर करना है जो वाकई ही सक्सेस का एक मुंह बोलता सबूत है आप कनाडा में बहुत सालों से हैं और यहाँ पर इमिग्रेशन का बहुत ही खूबसूरत बिजनेस कर रहे हैं इमिग्रेशन का बिज़नेस कैनेडा के समाज के साथ जुड़ा हुआ है कैनेडा एक ऐसा मुल्क है जहाँ पर हर कोई इमिग्रेंट्स है नेटिव्स के कोई आज से कुछ जनरेशन पहले आया कोई आज आ जा रहा है और ये जो इमिग्रेशन है ये सिर्फ और सिर्फ इमिग्रेशन ही नहीं है जैसा कि हम अभी हाल ही में देख रहे हैं कि सीरियन रेफ्यूजीज़ आ रहे हैं तो वो भी एक माइग्रेशन का अमल है और उनकी सेटलमेंट होना है इस समाज में इस सारे कामों के लिए जो साथी यहाँ पर इंतहाई कामयाबी के साथ मदद कर रहे हैं न्यू कनेडियंस की ना सिर्फ जब वो यहाँ आते हैं उनकी सेटलमेंट के लिए बल्कि उनको यहाँ पर बुलाने के लिए पाकिस्तानी नजात के जनाब नासिर महमूद साहब जो आईपीए के नाम से यहाँ पर एक बहुत अच्छा बिजनेस चला रहे हैं जिसके बानी हैं इमिग्रेशन एंड प्लेसमेंट एब्रॉड नस्म महमूद साहब स्टूडियो तशीफ आवरी का बहुत बहुत शुक्रिया आपको हम टी वी चैनल्स पे अखबार में आपके सक्सेस के पैगाम के साथ देखते और सुनते रहते हैं आप ये बताइए कि ये जो इमिग्रेशन एंड प्लेसमेंट अब्रॉड का कॉन्सेप्ट है ये आपका क्या कैनेडा पर ही फोकस है या चूंकि एब्रॉड का लफज है जी कि जी. क्या ये कई और मुल्कों से भी जुड़ा हुआ है एंड एक्चुअली आई वज नॉट एक्सपेक्टिंग आप इतना ग्लोरीफाइंग किस्म का मेरा इंट्रोडक्शन करवाएंगे दिस इज बीग हेयर इज़ वेरी हम्बलिंग एक्सपीरियंस ऑल्सो ये जो है इमिग्रेशन इन प्लेसमेंट अब्रॉड बेसिकली एनी बड़ी हु डज़ टेक इमिग्रेशन फ्राम आर सनी बी एंड इफ इट्स अक्सेस स्टोरी बाई दफ़ द डे एंड मोस्ट लाइक वी व्राई टू मेक इट सक्सेस हो एंड दे बिकम आवर लाइफ टाइम फ्रेंड्स सो नॉट ओनली दैट देर वुक आफ्टर द नीड्स के वहाँ से माइग्रेट कैसे करना है once they are here, we take care of them as well. so it's called immigration and placement abroad. placement comes in many ways. basically, once they are here, uh, they come as a refugee, they come as a skill worker, they come as a nomination program, business program, anything you name it. Uh, also, there is a one aspect of immigration, which is they are back home, and they get from some business or something, their job is arranged. Uh, and the employer gets, uh, you know, they hire us to do this their stuff. So that's we combine both of them, making immigration and placement abroad. You are saying that immigration mm -hmm. and placement abroad, both work. and we are in this way, in a success story in this Canada room we are red and white background, and this is now our home, and back home also seems be बहुत सारी दुनियाएं इस वक्त कनाडा आना चाहती हैं mm. और उसके साथ साथ कनाडा को भी ज़रूरत है लोगों की और लोगों को कनाडा की ज़रूरत है तो आप ये काम किस तरह कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ उनको यहाँ बुलाने में देखिए इट्स इट्स अ गुड क्वेश्चन बट इट्स अ वेरी ब्रॉड क्वेश्चन एक्चुअली सो सोल ट्राई टू बी एज ब्रीफ एज पॉसिबल उसमें ये है कुछ तो प्रोग्राम हैं जो गवर्नमेंट uh, की तरफ से आते हैं जैसे ह्यूमटेरियन बेसिस पे होते हैं जैसे आजकल सीरियन का वो डूइंग अ लॉट ऑफ वूंगूजीज़ एक्चुअली जैसे रेफ्यूजीज़ का बेसिकली दे हैव टू बी आउटसाइड ऑफ देयर दबिचुअल रेजिडेंट बहुत सारे लोग हैं जो वहाँ से डिस्प्लेस हो के कोई वहाँ uh, पे गया हुआ इराक़ में गया तुर्की चला गया वगैरह वगैरह सो so ये लोग हैं जो गवर्नमेंट के ऑर्गेनाइज प्रोग्राम हैं उनके थ्रू आ रहे हैं वन ऑफ़ देम इज़ बेसिकली स्पॉन्सरशिप एग्रीमेंट होल्डर यहाँ पे बहुत सारी कम्युनिटीज़ हैं चर्चेज़ हैं जो स्पॉन्सरशिप एग्रीमेंट होल्डर उनके पास है वो उनको स्पॉन्सर कर सकते हैं एंड प्रोसेस इज़ रिलेटिवली रियली फास्ट स्पेशली फॉर सीरियंस, ये तो वो चीज़ है जिसके अंदर बेसिकली गवर्नमेंट इनिशिएट ले रही है उन लोगों के लिए और यू नो कैनेडा के ह्यूमन ट्रेनिंग में तो वर्ल्ड हायर इन द फील्ड ऑलवेज जहाँ तक ये है जो बाकी प्रोग्राम है ये हमें समझना चाहिए कि कैनाडाफॉर्चुनेटली वेर एट द प्लेस वेर वी कैन डू पिक एंड चूज और बहुत सारे लोग हैं जो अमेरिका से वी हैव क्लाइंट्स एक्चुअली दे फ्रॉम यूएसए कनाडा कैनेडा ऑस्ट्रेलिया हर जगह से लोग आ रहे हैं सो वांट्स द टॉप ऑफ यू नो बेस्ट ब्रीड फ्रॉम एवरीवेयर राइट सो उसमें यह है कि स्किल वर्कर का एक प्रोग्राम है जो इट्स बिन देयर फॉर एजेस they have made some changes to that program to make it faster, make it quicker. Uh, इसी तरह जो कुछ work permits के program हैं study permits के program हैं फिर business के लिए उन्होंने काफ़ी programs हैं जो introduce करवाए हैं जिसके अंदर federal के program तो इस वक्त बंद हैं लेकिन provincial program जो हैं there are many of them. So provincial programs में you start you basically आप एक किस्म का अब कर रहे हैं अब प्लस कर रहे हैं कि हम इस प्रोविंस में रहेंगे यहीं इन्वेस्ट करेंगे सो देर इज़ समथिंग फॉर एवरीबडी अगर कुछ भी नहीं है देर इज़ अ विजिटर वीज़ा यू कैन एनी बडी कैन अप्लाई फॉर विजिटर वीज़ा एंड देर इज नो सो लॉन्ग यू और नॉर्मली मैं लोगों को कहता हूँ सो लॉन्ग सिर्फ दो लोग नहीं आ सकते कैनेडा एक वो जो क्रिमिनल्स हैं तो सर जिनको हेल्थ का इशू है सो हेल्थ एंड क्रिमिनलिटी अगर नहीं है तो एंड इफ यू क्वालिफाई बाई ऑल मीनस यू कैन कम टू कैनडा दर मैनी डूंग दिस प्रोसेस आपकी यहाँ पर uh, बहुत बड़ी कंपनी है और आपके क्या एफिलियटड इदारे पाकिस्तान इंडिया या किसी दूसरे मुल्क में भी हैं जो आपके साथ कनेक्टिविटी करते हों और आपकी सर्विस लेते हों देखें उसके अंदर ये था कि दर इज़ नो नीड फॉर एक्चुअली हैविंग रिमोट ऑफिस Uh, it's a global word, or the uh, software is available. And we, we get retained by people from all over the world, like from Mauritius, and we do Skype meetings and all that. Because uh, you have to be regulatory. Uh, it, the, the occupation has been regulated. You have to be the member of ICCRC. Having somebody abroad who is not the member, and it is a bit risky. Involving people, you don't know on your behalf, what and so that. So, there is you need like your, yes, within Canada you can have offices, you can have in USA, but not in those countries where you have you track record in terms of uh, retaining you, and it's not that good. So we've decided to uh, stay here, but we do get, I travel a lot, travel a lot actually, I think this is one of the perks of this business is that you get to travel a lot. Uh, I do, to, I do Dubai, go to Dubai all the time, just coming from Mauritius, actually. So uh, you don't have to have an office anywhere. Let's say if somebody says, "I want to come to Canada," and we do a Skype meeting, and he agrees that yeah, this is, there is a scope for me. So he gets a username and login. Just sitting at home, so long as they're computer savvy, they get a username and password, they would log in and it's very simple, these are the documents, drag and drop, okay? these are the forms, this is what we need from you, that's all you need. And all this is your website? Everything is there, yes, everything is there. What is you address It's uh, www.ipainternational.ca बहुत ईजी है डब्ल्यू 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 डॉट आई पी डॉट सी ए सी ए कैनेडा का डोमेन है mm -hmm. और हम कैनेडा रूम में आपकी सक्सेस स्टोरी शेयर कर रहे हैं अपने नाजरीन के साथ और ये आपने बड़ी काम की बात बताई कि बहुत ज्यादा कम्युनिकेशन के लिए जो अब स्किल मौजूद है वो है इंटरनेट और आपकी वेबसाइट पर लॉग इन हो और आपके साथ कनेक्टिविटी बनती है आप उनकी हेल्प कर सकते हैं ये सब बातें तो बहुत इम्पॉर्टेंट है मगर वो हेल्प आप किस किस तरह की कर सकते हैं उसमें ये है देखें अब आ, आ, इस, ब, आ, जब कोई डिसाइड करता है कि मैंने कनाडा आना है एंड अंदर अ लॉर ऑफ़ प्लेसिस वेर यू कैन कॉल एंड यू गेट द वाइब अब यू नो कि यस आ जाए आ जाएँ सब कुछ हो जाएगा कोई बात नहीं है दैन जिस पे द फी एंड ऑल ऑनलाइन मुझे इस चीज़ पर खुशी है कि हमारे ऑफिस में जब कोई कॉल करता है तो दे डू गेट अ लॉर ऑफ डिस्करेजमेंट इफ दे डोंट क्वालिफाई They get to know their chances uh, right in the beginning. Right in the beginning. Okay, they say, "You are doing this thing, you are doing this work." This is where you stand. It's called the initial assessment. Okay, if you and we do get calls like, "Who is saying that? If you do this, you will be here in six months. It will be like this, it will be like this. It is very fast. It will be like this." So we looked at their personal profile and we give them complete assessment. कि ये आप आ, आ, ने हमें बताया इसकी बेस पे ये ये प्रोग्राम है जिसमें आप क्वालिफाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। और आपकी शॉर्ट कमिंग्स की है कितनी देर में आपने फर्स्ट करना अगर किसी का आइड्स का स्कोर कम है ही नीज टू इम्प्रूव दैट सो वुल थम एग्जैक्टली दिस इज वॉट यू नीड टू डू दीज आर योर शॉर्ट कमिंग्स एंड दीज आर आर एक्चुअली थ्री फेज ई मै बिफोर दे इन टू लाइक कंप्लीट रिटेनर एग्रीमेंट एंड यू नो इसके अंदर आप स्पाउल केसेस जो से हैं आपको पता है कि दे यूज़ टू टेक अ लॉ लाइक थ्री फोर ईयर्स एक्चुअली सम टाइम वे बिकम मैरिज काउंसलर भी हम बन जाते हैं इसलिए उसलिए लोग आ कि उनका पहला क्वेश्चन ये होता है कि जी लड़की का रिश्ता आ रहा है लेकिन टाइम बड़ा लग रहा है लड़के का रिश्ता लेकिन टाइम बड़ा लग रहा है आप बताएं करेंगे ना करें यू नो सो दैट्स वी कम इन एंड हाउ दम एग्जैक्टली दिस इज वाट्स गोइंग ऑन जस्ट टू लेट पीपल नो कि नाउट डेज पाकिस्तान से जो है इट्स वेरी क्विक very fast. I mean yeah. within a year time, less than a year we've done quite a few application and it is, it is quite steady like that. Unless someone's uh, medical expires, you know, it goes down But uh, within a year time, cases through. And as I told it's a very common question. कि वो रिश्ते से भी पहले ये क्वेश्चन होता है कि आप ये बताएं कि हो सकता है वरना हमने नहीं करना सुना है तीन साल लग रहे हैं चार साल लग रहे हैं देन यू हैव स्टूडेंट्स दे हैव नो आइडिया वेयर टू गो वट टू डू वट कोर्सेज टू टेक सम पीपल आर कमिंग विद इन टेंशन के लिए यहाँ आके गायब हो जाएंगे सम पीपल आर कमिंग विद इन टेंशन जी कोई भी किसी कॉलेज में आपको एडमिशन मिल जाए क्या कॉलेज इज इवन रेकगनाइज दी सी आई सी और नॉट इट डज मैटर पीपल आर अपलाइंग सो वी गिव द बेसिक स्टेप्स which would lead to success and career. It's very important. Of all the things that we discuss in our office, student study permit is very, very important that you should know, even if you're going to Canada, what is going to happen. Apka will get you open work permit and all that. But they think that just going to Canada would solve all the problems. Yaha uh, कनाडा जो है इनकी जो हर प्रोविंस के प्रोग्राम हैं जो इनको रिटेन करने के लिए हैं एंड uh, है, है uh, दे गेट द फर्स्ट प्रायोरिटी वंस एनी स्टडी परमिट एनी स्टूडेंट एनी वर्कर हु कम्स टू कैनेडा उनकी फर्स्ट प्रेफरेंस ये ऐसे ऐसे प्रोग्राम हैं जिसमें दे आर गिवन द टॉप प्रायोरिटी आपने मास्टर्स करना है अगर मास्टर्स आप इधर उधर जब कर रहे हैं इंग्लैंड जाके करते हैं उसके बाद हमें कॉल आती है ये मास्टर्स कर लिया मैं कनाडा कैसे आऊँ तो वो दू नो यू शुड हैव डन मास्टर्स इन ऑनटेरियो इनका एक पायलट प्रोजेक्ट चल रहा है विच इज गोइंग टू लुक्स लाइक इज गोइंग टू परमानेंट। आप मास्टर्स कैनेडा में करें एंड देन यू यू क्वालिफाई फॉर परमानेंट रेजिडेंसी कितने ही मुलक है जहाँ आप जाते हैं बट यू विल एंड आफ्टर यू फिनिश यू कोर्सिज इन एवरीथिंग यू नो वट और uh, इसी तरह जो आपके जो बिजनेस के हैं बाद प्रोग्राम दे वेरी गुड एक्चुअली दे आर कमिंग अप विद द फेडरल प्रोग्राम बी अब सोन वो कह रहे हैं कि ओपन कर लेंगे लेकिन प्रोविसेज़ के जो प्रोग्राम है दे तो आर वाइड ओपन uh, लास्टली आई वुड से जो स्पाउज का है जो स्पाउजल केसेस हैं उसमें ऑल द अदर प्रोग्राम स्पॉन्सरशिप्स एंड जो स्पाउजल केस है यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल स्पेशली हमारी कम्यूनिटी के लोग बाद दो 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 शादियाँ होती हैं उसमें आम गलती है एक शादी की भी डाइवोर्स फाइनल नहीं हुई हो गई है नॉट ऑन द डॉक्यूमेंट्स दूसरी शादी कर लेते हैं And your life moves on and everything and they sometimes they even have kids and then this come and they want to sponsor and Then June ki shadi hai, it's null for rest of their life Canadian immigration will is not going to recognize this marriage It's really hard to reverse it Ye common galti hai, kyunki dekhayun api un mein hai ki aap nahi karse do shadi hai Lekin aapki pahali shadi documents mein nahi hai, ab hi aap final hui, aapne dusri kar liye It's a genuine couple but she is out of the family class. Sometimes just one tick mark actually leads them to, you know, for years and years, and then they end up appealing and all that. So I would say, uh, for such things, for all immigration matters, I would say, hiring any professional is worth paying every penny, especially spousal cases, because spousal cases is one of those which is it's almost guaranteed. Mm -hmm. सोन मस्ट गिवन सर ऑन स्टोन का इन थे आप अगर जेनविन कपल हैं आप करें आप सो so लॉन्ग आप सोशल असटेंट नहीं ले रहे आपकी जॉब की भी ऐसी रिस्ट्रिक्शंस नहीं हैं सो वाई यू गोइंग टू यू नो गन टू समथिंग विच इज अ लिम्ब ऑफ अनसर्टिनटी जस्ट बिकॉज यू वर नॉट केयरफुल विद योर एप्लीकेशन आप ये जो बातें बता रहे हैं बहुत ही इंफॉर्मेटिव है और जिस तरह मैं सुन रहा हूँ साफ़ लग रहा है कि इसके पीछे एक बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है और आपने जैसे कि ख़ुद भी कहा कि आपके एक्सपीरियंस से फ़ायदा उठाया जाए तो लोग जो अपने तौर पर ब्लेंडर करते हैं उनकी जा जा। प्राइस उन्हें बहुत देनी पड़ती है और अगर आप जैसे एक्सपीरियंस साथी की और आप जैसी एक्सपीरियंस जो कंपनीज हैं उनकी बात सुनी जाए तो बात कामयाब होती है आपने कहा कि अब पाकिस्तान से स्पेशली हम सुन रहे थे कि के केसेस को बहुत वक्त लग रहा है Yeah. आप आपने एक बिल्कुल नई खबर दी कि बहुत फास्ट हो रहा है वेरी फास्ट है तो क्या वजह है ये फास्ट क्या गलत खबर के डेट से हो रहा है असल में पहले दे वर प्रोसेसिंग ऑल देशन इस्लाम इस्लामाबाद और इस्लामाबाद में काफ़ी इश्यूज़ चल रहे थे इंटरव्यूज के लिए भी आपको पता वहाँ जो हालात हैं कैसे और ऑफिस का वहाँ जाना एंड थिंग वहाँ का स्कोप बड़ा लिमिटेड हो गया सिर्फ आप ये समझ लें कि विजिटर वीज़ा इज़ वन ऑफ दम bakisari jo hain wo england, they're being processed in uk. and uh, there are no interviews for spousal cases. there are no interviews for visitor visas. no interviews for study permits. so things are faster. but it, it's like it, it, when government says, that, okay, we're going to do it, making it more faster and everything, it comes with the responsibility. they have to do all the checks and everything. like what's happening in refugees, they're bringing and people are scared now.

नाजिन बातचीत हम कर रहे हैं सक्सेस स्टोरी में टैक्स स्टूडियो के अंदर आज नासिर महमूद साहब से जो पूरी दुनिया से इमिग्रेशन और सेटलमेंट सर्विसेज के लिए मदद करते हैं और इनकी मदद की वजह से बहुत काम आसान हो जाते हैं हम इनसे बहुत सारी बातें कर रहे थे इनकी इमिग्रेशन की सर्विसेज के हवाले से वो भी हम बातचीत करेंगे मगर हम इनकी जो प्लेसमेंट जो पार्ट है जो इनकी कंपनी का नाम है इमिग्रेशन प्लेसमेंट अप्रॉड उसके हवाले से जिसको आप प्लेसमेंट को आप सेटलमेंट भी कह सकते हैं मैं उस हवाले से नासर साहब की तरफ आता हूँ नासर ये बताइए हमारे नासन को कि हमने बात की इमिग्रेशन के हवाले से प्लेसमेंट या सेटलमेंट के हवाले से आपकी सर्विसेज क्या है जी उसमें देखें जो भी कैनेडा आता है पाकिस्तान से या कहीं से भी आ रहा है उसमें मोस्ट ऑफ़ द पीपल वुड से 80 परसेंट लोग ऐसे होते हैं जो पहले आए नहीं कभी भी और कुछ फिर ऐसे होते हैं जिनके रिश्तेदार होते हैं लेकिन ऑबियसि रिश्तेदारों से वो ज़रा नहीं लेना चाहते हाउ फॉर वन और द अदर रीज़न एंड एनी जैसे मैंने कहा एनी सक्सेस स्टोरी लीव्स अ गुड फ्रेंडशिप विद दास और उनका ये है कि ट्रस्ट लेवल बहुत ज़्यादा बिल्ट हो जाता है एंड uh, यहाँ तक कि मकान लेने के सिलसिले में भी दे आस खास कि आप बात करें आप बताएँ कहाँ लेना है रेंट uh, करनी हो कोई चीज़ बेसमेंट रेंट करनी हो uh, ख़ास तौर पर वो लोग जो रेफ्यूजीज आते हैं उनको तो बहरहाल हेल्प चाहिए होती है उनके लिए यहाँ पर आ दे नीड ए लीगल एड नीड ए सोशल असिस्टेंट हमारा एक सॉर्ट ऑफ अ विंग है छोटा सा एंड वी एक्शली लुक आफ्टर ऑल ऑफ दोज एस्पेक्ट्स एज वेल जहाँ तक वो है जिस स्टडी परमिट पे बाज़ लोग आते हैं स्टडी परमिट पे भी आ रहे हैं देन जैसे मैंने बताया कि स्टडी उनको यहाँ पे जगह का नहीं पता होता कहाँ जाना है तो वी एक्शली सेंड दम डिटेल्स कि आप कहाँ जाके कहाँ रह सकते हैं जो लोग काम के लिए आ रहे हैं ट गिव यू एन एग्जाम्पल इफ एनीबरी कम्स यर लाइक एज अ रेफ्यूजी उसका प्रोसेस ये है कि वो क्लेम करता है क्लेम के बाद उसकी सोशल असट्टेंट हो गई उसको चाहिए वो दैन वी अप्लाई फॉर देर वर्क परमिट वर्क परमिट अपलाई करने के बाद ये कि अब जॉब की ज़रूरत है जॉब में जो कुछ जो ऐसी एम्प्लॉमेंट एजेंसियाँ हैं जिनको हम जानते हैं उनके फॉरवर्ड किया जाता है उनका रजे में सो मच सो कि देन वी हैव आवर ओन नेटवर्क ऑफ एम्प्लॉय अक्रॉस कैनेडा एक्चुअली अक्रॉस कैनेडा लेस एफ एनी बडी कम्ज इन एज अ कारपेंटर आई मीन ऑन एयर आई कैन आई कैन हैव इन एम्प्लॉय लाइक टमोरो वन ट्वेंटी थ्री डॉलर प्लस एन आवर सोलॉन्ग इज़ अ गुड कॉपेंटर अ गुड किचन कैबिनेट मेकर कैबिनेट मेकर जो हैं उनकी बहुत ज़्यादा डिमांड है यहाँ पर जितने भी स्किल में लोग आ रहे हैं उनकी बहुत ज़्यादा डिमांड है यहाँ पर और उसके लिए बाज़ा एम्प्लॉयर हमें हायर करते हैं कि काइंडली दे पे अस कि मुझे एक अच्छा कारपेंटर चाहिए आप वहाँ से ला सकते हैं तो उसमें लोगों की जो तो स्किल लेके आ रहे हैं उनका बड़ा फ़ायदा होता है फिर जो लोग एजुकेशन ले आ रहे हैं उनके लिए वही जैसे बताया कि वही समटाइम बिकम अ करियर काउंसलर उनको मोटिवेट करना एंड ऑल दैट एंड एवरीथिंग क्योंकि मैं खुद आई थी मेयर वे बैक एज अ रेफ्यूजी एंड नाउ समरी हेल्प मी एंड नाउ यू नो लाइफ टेक्स फुल सर्कल अराउंड एंड आई एम हेल्पिंग दैन नाउ सो ये चीज़ है कि uh, मुझे याद है मेरे वाल साहब ने मुझे कहा था कि दर इज़ नो एलिवेटेड टू सक्सेस इज़ नो एलिवेटेड टू सक्सेस सो समथिंग लाइक दैट वी और आवर क्लाइंट्स जब आप यहाँ पे आ गए हैं फोकस योर गोल्स स्टे ऑन योर गोल्स फाइंड आउट के आप क्या, क्या करना चाहते हैं so, हमारे है, सो हमारे ऑफिस में बाज़ा एक ही घंटा से यू हो रही है कि हम आ गए हैं अब करना क्या है तो वी एक्चुअली बिकाम सोड वो कैरियर काउंसिलिंग करियर काउंसिलिंग भी करते हैं उनकी So far we're a lot of आपने बहुत सारी बातें जो सर्विसेज के हवाले सेटलमेंट के हवाले से बताई वो ज़रूर आपके जो क्लाइंट्स हैं या जो कम्यूनिटीज़ जिनको आप सर्व कर रहे हैं उनको इस सोसाइटी में इंटेग्रेट कर रही हैं मगर कुछ कल्चरल इंटाग्रेशन भी है इसके साथ साथ आपने जॉब्स की बात मैं आपसे करना ही चाह रहा था आपने खुद ही तफसी बताई कि आप उनको जो जॉब मार्केट है उसमें भी इंटेग्रेट कर देते हैं तो इंटेग्रेशन के लिए इन टर्म्स ऑफ इंट्रेटिंग न्यू कनेडिय विद कनेडियन सिस्टम आप क्या क्या और ज़रूरी समझते हैं इन सब बातों के अलावा देखिए उसमें यह है कि जो ही आप कनेडा आते हैं उनको सबसे पहली चीज़ तो उनको मैं ये कहता हूँ कि अगर आपकी नंबर वन थिंग इज इंग्लिश लैंग्वेज पहले किसी ज़माने में ये होता था कि कनेडियन गवर्नमेंट भी जो है उसको, उसको इस तरह नहीं देखती थी और एम्प्लॉयर एक्चुअली कहता था कि मुझे अपनी ज़बान का बंदा चाहिए दिस वॉज द रीज़न फॉर हिज अप्रूवल एंड नाओ इज कि आप कह रहे हैं कि मुझे अपने कैशियर के लिए अपना उर्दू का बंदा चाहिए तो इस वजह से वो अप्रूव करते थे नाउ दे विल रिफ्यूज़ इट सून यू से मुझे अपनी लैंग्वेज का बंदा चाहिए दे विल रिफ्यूज इट इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस है उसकी एक वजह है कि आप जब तक आप बोली सी यू और यूर गोइंट टू सेल अंडर सेल्ड योर सेल्फ आप कर ही नहीं सकते आप कुछ भी जॉब करना है आपने लाइवलीहुड तो आपने करनी है ना हाउ वुड यू डू इट तो सबसे बड़ी बात यह कि बात लोग वेल एजुकेटेड आते हैं देन दे कैन नॉट स्पीक सो आई ऑलवेज टेल देम देर आर वेरी गुड प्रोग्राम्स गवर्नमेंट के सपोर्टेड प्रोग्राम है सर्विस सेंटर हैं वी यू डोंट हैव टू पे एनी थिंग वाई यू जस्ट सिटिंग एट होम नॉट डूइंग एनी थिंग सो so get up and गो टू सर्विस सेंटर एंड स्टार्ट लर्निंग आई did that's द फर्स्ट थिंग आई डिड also और um, मुझे याद है मेरी इंग्लिश से हाउ मच इज़ दैट भी नहीं मुझे कहना मतलब तो एक तो ट्रेनिंग नहीं थी कुछ पता नहीं था लेकिन ये कि ई एस एल पर लिखी तो इससे काफ़ी फ़ायदा हुआ तो इंटीग्रेशन में ये है कि चाहे किसी भी एज में आप आ रहे हैं आपकी सेल्फ कॉन्फिडेंस के लिए आप चाहे ओल्ड एज में आ रहे हैं आप नानी दादी हैं आपके पास अगर ऐसे प्रोग्राम अवेलेबल हैं और आप जा सकती हैं या जा सकते हैं तो क्यों नहीं आप जाते जब आपने आपने अपने बच्चों से पोतों पोतियों से गुफ्तु करनी है उनकी बातें समझ समझनी हैं तो वाई वुड यू नॉट टेक दिस स्टेप्स इट्स नॉट हर्टिंग यू एंड इट्स नॉट कॉस्टिंग यू एनी सबसे बड़ी बात यह है कि गवर्नमेंट के ऐसे प्रोग्राम है इट्स नॉट कास्टिंग एनी थिंग और अगर आप यंग एज में हैं तो दिस इज़ एप्स मस्ट ऐप्स मस्ट कि आप कोई भी काम करें कोई भी आपने शुरू करना है पार्ट टाइम कर लें लेकिन ट्राई टू लर्न इंग्लिश एज बस एज बस एज पॉसिबल उसके अंदर भी हमारे पास वो लोग हैं स्कूलों के जो हैं प्रोग्राम हैं सर्विस कैनेडा की जो उनकी जो ऑफिस खुले हुए हैं जो हेल्प करते हैं वॉल्टियरली उनकी ब्रोशर्स हैं उनको हम नंबर देते हैं कि यहाँ करके यहाँ जाएँ आपकी क्लासेज ले लेंको न्यू इमिग्रेट्स के लिए जो है सो दैट हेल्प्स अ लॉट दैट हेल्प्स अ लॉट और अगर किसी ने कुछ अपनी स्किल अपग्रेड करनी है दस हेक्स वन दैट वी डू अ लॉट एक बंदा वहाँ से एज अ वेल्डर आ गया यहाँ के नहीं कर सकता वो लेकिन यहाँ के जाए कहाँ यहाँ का कनेडियन एक्सपीरियंस नहीं है तो कोई हायर नहीं करेगा अगर ये रेगुलेटरी ऑक्यूपेशन नहीं भी है तब भी उसको कैनेडियन एक्सपीरियंस का नहीं पता कैसे काम होना है अगर लाइसेंस लेना है तो किधर जाना है सो दैट्स फिर वी कम इन प्लेस लाइक आपके ये ये वी नो एग्जैक्टली वेयर टू गो कि ये वेल्डिंग का कोर्स करना है आपने अगर ये गैस के से रिलेटेड कोर्स करने हैं तो ये ये कॉलेज हैं ये ये फीसिस हैं इतने आपना पे करना है और थ्रू आउट के कैरियर में आप आके आप कितना पैसा बना सकते हैं सो so, उसमें काफ़ी हेल्प हो जाती है वी गिव लाइक लाइक ऑफ इज आइज ऑन द प्राइस एंड देन जस्ट गो आफ्टर इट एयर इट वर्क्स ये सब इंटीग्रेशन की बातें हैं कि आप किस तरह इंटीग्रेट कर रहे हैं न्यू कैनेडियंस uh, को साथ साथ इसके साथ ये बताइए कि के कनाडा में जो अपॉर्चुनिटीज़ की बात की जाती है कि यहाँ बहुत अपॉर्चुनिटीज़ हैं लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी हम नॉर्थ अमेरिका को जनरली कहते हैं पर्टिकुलरली जब हम कनाडा रूम में बैठे हुए कनाडा की बात दे कर दे दे रहे हैं और आपका बिजनेस मेनली फोकस है कनाडा में दे दे तो वाकई अपॉर्चुनिटीज़ देखें इट इज़ इज़ अ लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी एवरी सिंगल डे यू इफ यू आर नॉट डूइंग एनीथिंग यू आर मिसिंग आउट वो कहते हैं ना यू मिस हंड्रेडेंट ऑफ द शॉर्ट दैट यू डोंट टेक So there are many things out there. there many things out there. It's not something that um, right away happens But you have to struggle. Just, you cannot keep your hands in your pocket and try to climb. It's not gonna work. You have to get up. You have to get up. You have to do things, whatever needs to be done. The only thing is just, you have to have your eyes on the prize You have to have a goal. That will come towards you. All you have to say is this is what I want to do. All the means and resources will be there being in Canada. By third world country, but in Canada, you tell, you dictate your terms basically. Honestly, I've seen it where you are dictating your terms that this is what I want to be. And if you go after that, keep that image in your mind, go after that, it will happen. It does happen. आप जितनी अच्छी बातें बता रहे हैं मेरा जी चाहता है कि मैं नाजरीन को कहूं कि उनके उनके रिलेटिव्स की उनके फ्रेंड्स का कोई भी इमिग्रेशन का सेटलमेंट का इशू हो वो आपसे इमिजिएटली कांटेक्ट करें एक तो आपकी वेबसाइट है जो आपने बताई डब्ल्यू 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 डॉट आई पी ए इंटरनेशनल डॉट सी ए और इसके साथ साथ तो कोई टेलीफोन नंबर भी है uh, जो आप देना चाहेंगे नाइन टू फाइव एनी टाइम इवन सैटरडेज भी नाइन जीरो फाइव सिक्स सेवन टू टू सेवन टू सेवन बहुत इजी uh, नंबर है नाइन ओ फाइव सिक्स सेवन टू टू सेवन टू सेवन सिक्स सेवन टू सताईस सताईस बिल्कुल ठीक है तो इट्स इट्स एन इजी नंबर वी पंजाबी में हम कहते हैं नौ सौ पाँच छः सौ बहत्तर वाज़ द पर्पस है बेसिकली किया जाए So, uh, as I said, we have been serving the community for the longest time now, and it gives me pleasure. My occupation has become my passion now. So, immigration के जो business के logo, हैं misconception misunderstanding भी resolve Actually, there is a there is a reason actually, and ये कि एक side blame If somebody wants me to do something. और मैंने उसके साथ अगर प्रॉपर रिटेनर एग्रीमेंट वगैरह नहीं किया तो इट्स माई फॉल्ट सो ही हैज़ टू नो के वट इज़ ई गेटिंग इन टू होता ये कि बाजफ़ा जितने भी लोग जो करते हैं जो इट्स इ टू पे समबरी इफ पर्सन इज़ नॉट ऑथोराइज सो यू हैव टू बी मेबर ऑफ यू हैव टू बी लोअर पेरा लीगल और मेम्बर ऑफ आई सी सी आर सी इमिग्रेशन रेगुलर काउंसिल के ना अगर आप किसी को रिटेन कर रहे हैं and you don't know what he's getting into. intos <laughs> somebody thinking they have paid some money and then everything will be done and all that you, you, know, you know they pay the initial fee and after that you know the work is done and their consultant is asking like, next step get or pay and they say no 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 you know things like that happen now I, I don't think anybody who's licensed in Canada a girl could complain heck secret so there's a process both come प्रॉब्लम वहाँ रही है जहाँ पे अनऑथोराइज लोग ये काम कर रहे हैं कैनेडा में तो अब काफ़ी सख्ती हो गई है कि उन्होंने लॉ पास कर दिया था एब्रॉड में जो है घोस कंसल्टेंट इनको कहते हैं दे आर एवरी यू नो प्रोग्राम के शुरू में आपने कहा था कि बाहर हमारे ऑफिस क्यों नहीं है दैट्स वन ऑफ द रीज़न मेरे साथ ऐसे हो चुका है कि uh, मुझे ऑफिस में कॉल आई कि वो मेरी फाइल कहाँ पहुँच गई है मैंने कहा भाई जान आप कौन है क्या बात है एक साल हो गया आपको दिया हुआ आपने कहा था वो ये भी हो गया वो भी हो गया एंड कॉल वज कमिंग फ्रॉम मॉन्ट्रियल लंडन में किसी ने मेरी वीडियो वो और केस था लेकिन लंडन में किसी ने मेरी वेबसाइट पे अपनी वेबसाइट पे मेरी कंपनी का नाम दे के टुक द मनी एन एवरी थिंग देन आई रिपोर्ट टू दथॉरिटीज़ वनकूवर में भी मेरे साथ कैसे ही हुआ था सो दैट्स वाई कंप्लेन अर आउट देयर सो आई थिंक यू हैव टू बी एट लीस्ट स्मार्ट इनफ के जब आप कर रहे हैं तो यू नीड टू सी इफ द पर्सन इज़ रेगुलटरी ही इज़ बिन ऑथोराइज और उनकी लिस्ट है वेबसाइट पर आप वेबसाइट पर जाएँ और इमिग्रेशन की लिस्ट चेक करें जो जो लोग आपका आपसे आपको चार्ज कर सकते हैं यूज सी देर नेम इफ नेम इज़ नॉट देर देन यू नो हू टू ब्ल सो वही वही कह रहे हैं कि लिटल नॉलेज इज़ अ डेंजरस थिंग वन यू गेटिंग इन टू सम लाइक दैट ट्राई टू फाइंड आउट आपके प्रोग्राम की तरफ तो से सिर्फ मैं लोगों को यही कह सकता हूँ कि प्लीज़ uh, इतना नाइव नहीं होना चाहिए वंस यूर डूंग समथिंग दैट बे कैन यू फेंक समी Make sure you check बहुत अच्छी आपने बात की बहुत अच्छा मैसेज है कि हमें अपने राइट्स का पता होना चाहिए हर उस स्टेप पे जो उस हम स्टेप ले रहे हैं आखिर में हमारे नाजीन को ये बताइए कि आपके इदारे की अचीवमेंट्स क्या हैं जो कि इतनी धूमधाम से दुनिया भर में जाना जाता है क्या क्या आपने एक किया है ऐसा सब एक तो बाद मैं आपको ये कहूँ कि आपने मेरे इट्स वेरी हम्बलिंग एक्चुअली लेकिन आपने बहुत ज़्यादा ग्लोरीफाई कर दिया मुझे भी आई होप के आई लिव अप टू यू दी हु विद सी दिस प्रोग्राम अप टू योर एक्सपेक्टेशन इन ऑल दैट इसमें ये है कि अलहमदिल्ला वी हैव डन केसेज दैर इज वी व ब्रॉड पीपल फ्राम अक्रॉस सेक्शन लाइक डॉक्टर्स लॉयर्स वर्कर्स रेफ्यूजीज एंड एवरी थिंग यू नेम इट वी हैव डन एंड यू ने मेट वी कैन गिव अ गुड स्टोरी इस ऑक्यूपेशन में ये है कि ऑक्यूपेशन ऐसा है जिसके अंदर आपके सौ काम ठीक हो या ख़राब हो तो उसके लोग बड़ी बातें करते हैं राइट सो अलहमदिल्ला सो फार व डूंग एनी थिंग दैट वी कैन विद इन दी आवर रिजोर्सेज एंड लिमिटेशन सो ये मैं कहूँगा कि uh, जैसे होता है ना कि आप एक ज़माना था जब मैंने काम शुरू किया था बिल्कुल तो शुरू शुरू की बात है उस वक्त मुझे जब क्लाइंट अपॉइंटमेंट लेता था ना तो मुझे हमेशा होता था कि मैं पहले पूछूँ केस क्या है ताकि मैं उसके बारे में रिसर्च कर सकूँ देख सकूँ सो अलहमद लाला वे रीच द पॉइंट वेयर जो है ना कोई भी बॉलर आ जाए सो आई एम गुड सो अब ये होता है कि अलहमद जो भी अपॉइंटमेंट ले रहा है मुझसे एनी थिंग आई आई लव टू गेट टफ केसेस विच वुड नेवर हर्ड बिफोर बहुत बड़े अजीब अजीब केसेस आते हैं कि आप दे हैव गॉन टू मैनी प्लेसेज एंड देन किसी ने उनको हल नहीं दिया एंड दे आर वेरी हैप्पी कि जब हम गो थ्रू एवरी थिंग और मैं बाजार हम लोगों को ये भी कहते हैं कि आप हमारे पास आने से पहले इधर उधर बेशक हो पूछ नहीं उसके बाद हमारे पास तसली करें मोस्ट ऑफ दाइम वंस देर इन आर ऑफिस दे आर आर्स बहुत सफर और यही कामयाबी है जी अलहमद लाइज एन इनशा बहुत अच्छा आप काम कर रहे हैं और मैं बहुत शुक्रगुजार हूं कि आपने अपनी सक्सेस स्टोरी हमारी वसात से अपने नाजीन के साथ और कम्युनिटी के जो जो ब्रॉडर हमारा है कॉन्टैक्ट उसके साथ शेयर की जब हम कम्युनिटी की बात करते हैं तो साउथ एशियन कम्यूनिटी हमारी बड़ी कम्यूनिटी है और उससे बड़ी कम्यूनिटी कैनाडा इट्सर्फ है और उससे बड़ी कम्यूनिटी इंसानियत है आप डायरेक्टली इनडायरेक्टली इन तीनों कम्यूनिटियों के साथ जुड़े हुए हैं सर्विस कर रहे हैं और मैं आपका वेबसाइट इतना आसान है मुझे याद हो गया www.ipa.international.ca आपका टेलीफोन नंबर इतना आसान है नाइन ओ फाइव सिक्स सेवन टू टू सेवन टू सेवन सो अगर हम उसको उर्दू पंजाबी में कहें तो नौ सौ पाँच छः सौ बहत्तर तो ये आपसे रहा करें इसलिए कि अगर आप इस कंट्री में जैसा कि आपने कहा एक रेफ्यूजी के तौर पर आए और एक सक्सेस को यहाँ पर इंस्क्राइब कर सकते हैं तो जो और आने वाले कैनेडियन हैं जो आना चाहते हैं कैनेडियन बनना चाहते हैं वो आपकी उससे क्यों नहीं कर सकते आखिर में अगर हमारे नाजीन को आप कोई मैसेज देना चाहें अपने बिजनेस अपनी सक्सेस uh, के हवाले से तो क्या आप कहेंगे कहेंट इन Uh, बस यही है कि मैं न्यू कमर्स को यही कहूँगा कि दर इज़ जैसे मैंने पहले भी कहा था इज नो सक्सेस uh, द इज़ नो ऑलर टू सक्सेस एंड स्लो प्रोग्रेस इज़ अ प्रोग्रेस सो जो भी आप काम करें सोच समझ के करें और अल्लाह फजल करेगा नाजीन आज सक्सेस स्टोरी में हमने सक्सेस स्टोरी सुनी नासा महमूद साहब की जो इमिग्रेशन एंड प्लेसमेंट अब्रॉड के नाम से कंपनी चला रहे हैं और बहुत कामयाब बिजनेस है इनकी बातें सुन के आपको अंदाज़ा हुआ होगा कि ये जो बातें कर रहे हैं ये उसकी तह तक भी पहुँचते हैं ये जो बातें इन्होंने की उनको वाकई जानते हैं जब ये बातों को और हकीकत को और नॉलेज को जानते हैं तो ये आपके मसाइल को भी हल कर सकते हैं इसी तरह हम अपनी यहाँ पे सक्सेस स्टोरी बनाएंगे इन्हीं जैसी दोस्तों की मदद से जो रोशन ख्याल दोस्त हैं इनकी मदद से हम कनाडा में एक अच्छा नाम भी छोड़ेंगे और अपना मुस्कबिल भी बेहतर करेंगे हमारा प्रोग्राम देखने का बहुत बहुत शुक्रिया